पूनम पांडे कैटरीना कैफ के पति विकी कौशल के पीछे पड़ गई है। पिछले साल पूनम ने सैम बॉम्बे से शादी की थी, कुछ महीने तो ठीक रहा। अब पूनम पांडे ने विकी कौशल पर डोरी डालना शुरू कर दिया है। पूनम पांडे ने कहा कि उनको विकी कौशल जैसा पति चाहिए। पूनम के मुताबिक कैटरीना बहुत लकी है क्योंकि उन्हें उनका मिस्टर राइट मिल गया है। पूनम ने हाल ही में अपने रिलेशनशिप स्टेटस और सैम बॉम्बे के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि सैम बॉम्बे के साथ जिस नोट पर उनका रिश्ता खत्म हुआ, उसके बाद वो अगले 5 साल तक किसी को भी डेट नहीं करना चाहती है, लेकिन वो इतना ज़रूर चाहती है कि उनकी लव स्टोरी एकदम कैटरीना और विकी कौशल जैसी हो और लड़का भी विकी कौशल जैसा सीरियस हो। पूनम ने अपनी निजी ज़िंदगी के अलावा कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी को लेकर ढेर सारी बातें कहीं। पूनम पांडे ने कैटरीना कैफ को अपनी प्रेरणा बताया है। अभिनेत्री ने कहा है कि वो खुद को अगले 5 साल तक डेटिंग करती हुई नहीं देखना चाहती है, लेकिन अगर उन्हें विकी कौशल और कैटरीना कैफ के प्रेम कहानी जैसा कोई मिस्टर राइट मिलता है तो वो इस बारे में सोच सकती हैं। और जब पूनम पांडे से उनकी प्रेरणा के बारे में पूछा गया और वो भविष्य में क्या बनना चाहती है, तो उन्होंने कैटरीना कैफ का नाम लिया। पूनम ने अभिनेत्री की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, कैटरीना कैफ जहाँ से आई है उन्होंने इसे इतना बड़ा बना दिया है और हर कोई बस उन्हें प्यार करता है। मेरी इच्छा और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं इतनी मेहनत करना चाहती हूँ और मैं उनकी तरह आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं एक विकी कौशल जैसे सही इंसान से शादी करना चाहती हूँ। आपको बता दें कि इससे पहले पूनम पांडे अपने पति सैम बॉम्बे को लेकर चर्चा में थी। पिछले महीने उनके पति सैम बॉम्बे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सैम बॉम्बे पर पूनम पांडे के साथ मारपीट करने का आरोप है। मुंबई पुलिस ने भी उन पर कार्रवाई की थी। आपको बता दें कि पूनम पांडे की शिकायत के बाद पुलिस ने उन पर कार्रवाई की थी। इतना ही नहीं, सैम बॉम्बे ने अभिनेत्री के साथ इतनी मारपीट की थी कि वो अस्पताल में भर्ती भी हुई थी।